डोईवाला के बुलावाला गांव को जोड़ने वाला सुसवा नदी का पुल पूरी तरह से चर्चा में है। आपको बता दें कि बारिश शुरू होते ही इस पुल के ब्लॉक टूटने और ब्लॉक में दरारें पड़ने जैसी समस्याओं का ये सामना करना पड़ा। वहीं लोक निर्माण विभाग सिर्फ इस कार्य की लीपापोती करने में लगा हुआ है, जिसके चलते इस पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित ठेकेदार पर मुकदमा करने की मांग कर रही है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। तेज बारिश के कारण जो है बुलावाला पुल का जो बाजार से दूसरी साइड वाला अप्रोच है वो टूट गया है। मैंने पीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया गया है कि करके पहले सबसे पहले तो नदी को थोड़ा डाइवर्ट करें ताकि उस हिसाब से काम हो सके, और एहतियातन के तौर पे हमने जो चार पहिया वाहन है उनकी आवागमन को पूर्णतः रोक दिया गया है। ये जो है पुल, जब रानी पाकरी का पुल बहा था उसका भी सबसे बड़ा कारण खनन था, लेकिन इन लोगों ने, विभागीय जो अधिकारी हैं इन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, उससे भी सीख नहीं ली कि इतना बड़ा पुल रानी पाकरी का जो है सिर्फ खनन की वजह से गिरा था। और इस पुल के 100 मीटर नीचे, जिस मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से या सक्षम अधिकारियों से, जिस व्यक्ति ने इसकी परमिशन दी है इस खनन की, हमने कल भी आवाज उठाई थी जनवरी में, अभी इसमें काम हुआ है और लीपा पोती की गई ऊपर ही ऊपर, जबकि उस समय अगर इसमें कॉलम उठा दिए जाते तो ये आज पुल नहीं गिरता। विभाग बिल्कुल उदासीन है, ठेकेदारों के साथ मिलकर ये लोग इस पुल को खराब करने के चक्कर में पड़े हैं। बार बार पैसा 4 साल से लग रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, और अभी तक अगर इसमें कॉलम उठे होते तो ये पुल आज गिरने की जद में ना होता।